ओम शांति। 8 दिसंबर, आज बाबा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तुम्हारा ये जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसलिए इसमें तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ही बात की लहर चली रही है पूरी मुरली में। बाबा तुम सभी को ये राजयोग सिखा रहे हैं, तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं शिव बाबा, तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, उसे ही तुम बुलाते रहे। तो बाबा कह रहे, इस जन्म में तुम सभी जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो, राजाई स्थापित कर रहे हैं। बाबा तुम जितना ऊंचा पद पाना चाहो पा सकते हो, ये नहीं जो कुछ मिलेगा वो ठीक है, तुम्हारे बाबा ममा विश्व महाराजन महारानी बनते हैं। तो संकल्प करो, हमें भी बनना है, हम पीछे क्यों रहें। बाबा कह रहे, बच्चे महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, समय बहुत कम है, तुम्हारा ये जीवन ही मोस्ट वैल्यूबल है। संसार में लोगों का जीवन इतना वैल्यूबल नहीं है, तुम्हारा तन भी मूल्यवान है, इससे तुम अपनी कमाई कर रहे हो, और कमाई करने का एक ही तरीका है, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे, तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई भी हो जाएगी। ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल पहले हुई थी। लोग भी ये स्लोगन बोलते हैं, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हिस्ट्री रिपीट होती है, रिपीट होती है तो चक्र हो गया ना। अब ये चक्र कितने वर्ष का है ये कोई नहीं जानता। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र 5000 वर्ष का है, ये रिपीट होता रहता है। तो ये वही महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। तो तुम्हें अपनी अविनाशी कमाई कर लेनी है। तुम सब आत्माएं हो, तुम जानते हो हम अविनाशी हैं, हमारे अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, हमारा घर परम धाम है, शांति धाम है, इस बात को संसार में कोई भी नहीं जानता है। अब तुम्हें ये रोशनी दी है मैंने कि तुम परम धाम के वासी हो, वहां से आए हो पाठ बजाने। सभी आत्माएं अपना अपना शरीर लेकर पाठ बजा रही हैं। देखो कैसा वंडरफुल खेल है, एक का पाठ न मिले दूसरे से। तुम्हारा ये पाठ भी अविनाशी है, तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। ये अभ्यास करते रहेंगे तो तुम्हारी बहुत कमाई होती जाएगी। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही सुख दुख भोगती है। दुनिया में तो कितने तरह के ज्ञान हो गए, परमात्मा को ब्रह्म ही समझ लिया, जबकि ब्रह्म तो तुम्हारा घर है, और मानने लगे कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। वास्तव में वो ब्रह्मलोक है, वहां आत्मा लीन नहीं होती, वहां जाकर बैठ जाती है, शांति में स्थित हो जाती है। तो बाबा बार बार हमें कह रहे हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट न करो व्यर्थ बातों में। बाबा जानते हैं कई बच्चे रात दिन अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उनका पद बहुत नीचा हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए कि हम इस अनमोल समय में, ये समय भी अनमोल, जबकि भगवान आकर अपना कार्य कर रहे हैं, और हमारा जीवन भी अनमोल, तो तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए। सोचना है हम अच्छे से अच्छा क्या करें, हम शिव बाबा से अधिक कैसे प्राप्त करें। तुम सभी को मालूम हुआ है ये दुनिया बदल रही है, ये मृत्यु लोक अब स्वर्ग लोक में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए तुम्हें अपने हर श्वास को सफल करना है।
तुम्हें उस स्वर्ग लोक में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ये गुह्य बात भी सुना रहे हैं कि जो थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं स्वर्ग में तो आ जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, थोड़ा ज्ञान लेने वाले भी स्वर्ग में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, लेकिन उनका मर्तबा, उनका स्टेटस बहुत कम रह जाएगा। लेकिन तुम जो बुद्धिमान हो, तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके राजाई पद को प्राप्त कर लेना है। टाइम जरा भी गंवाना नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छा चिंतन करना है। मृत्यु लोक जब समाप्त हो रहा है, जब देवलोक की स्थापना हो रही है, स्वयं भगवान स्वर्ग लोक बनाने आ गया है, स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, जीवन मुक्ति देने के लिए आ गया है, तो हम क्या क्या करें, कितना अच्छा पुरुषार्थ कर लें, हम किस तरह से बहुत अच्छा योग लगाएं। मन बहुत भटकता है, अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हमारा मन भी बहुत भटक जाता है, और जब मन भटक जाता है तो योग का सुख नहीं मिलता है। तो चाहे भविष्य की प्रारब्ध के बारे में हम न भी सोचें, लेकिन वर्तमान हमारे जीवन में हमें परम सुख मिले। हमारा टाइम बहुत अनमोल है। जीवन में जो मनुष्य समय के महत्व को जानता है वो बहुत कुछ कर लेता है विद्यार्थी काल में ही। अगर कोई विद्यार्थी समय को महत्व नहीं देता तो हम जानते हैं उसका क्या हाल होता है। समय पर राइट कार्य करना सफलता का आधार बन जाता है। तो बाबा आज बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे तुम्हारे सामने स्वयं भगवान बैठे हैं, तुम्हें मन चाहा फल देने के लिए आ गए हैं, बस तुम अपना अनमोल समय नष्ट नहीं करो। वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग कर अच्छा पुरुषार्थ करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जब हम सेवा करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो मनुष्य को प्रारब्ध की इच्छा होती है इसका अच्छा फल मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, हमें मान मिले। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने में इन सब इच्छाओं की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। ये इच्छाएं अगर होंगी तो हमें अच्छा पुरुषार्थी नहीं बनने देंगी। इसलिए निष्काम भाव से पुरुषार्थ करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हैं। स्लोगन है, साधनों को कमल पुष्प समान बनकर यूज करो, क्योंकि ये तो तुम्हारे कर्मयोग का फल है। ऐसे नहीं हम साधनों में उलझ जाएं, बिल्कुल न्यारे और प्यारे होकर जो भी साधन प्राप्त हुए हैं उनको हमें यूज करना है। तो आज हम इस बात पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, सबका होता है, व्यर्थ बातें सुनने में, व्यर्थ के समाचार सुनने में, उससे अपने को बचाएंगे और समय को सफल करेंगे। ऐश्वर्यी होकर बुद्धि योग परम धाम में बाबा से लगाकर तो एक ड्रिल करेंगे, मैं निराकार आत्मा उड़कर चली परम धाम, बैठ गई बाबा की किरणों के नीचे, फिर वापिस आ गई देह में, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। एक बार में 3 बार ये ड्रिल कर लेना और कई बार कम से कम 8 बार ये अभ्यास करना, तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। ओम शांति।